नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम टेलर्स का चैनल में। आज हम आपको डबल प्लेट पेंट की पॉकेट बनाना बताएंगे। ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी पॉकेट बनी हुई है। हम आपको इसी पॉकेट को बनाना बताएंगे, बहुत ही सरल तरीके से बताने वाले हैं। आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आप बहुत ही आसानी से पॉकेट बना सकते हैं, ना तो कोई अल्टर आएगी और बहुत ही सिंपल तरीका है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर आप पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का भी बटन दबाइए, जिससे कि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। चलिए शुरू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम टेलर्स का चैनल में। आज हम आपको डबल प्लेट वाले पेंट की साइड पॉकेट बनाना बताएंगे। बहुत ही आसान तरीके से बताने वाले हैं। ये देखिए मैंने ये पॉकेट कटिंग करके रखी हुई है। ये देखिए हमारी उल्टी साइड है और ये सीधी साइड आपको नीचे रखनी है और ये सीधी साइड ऊपर रहेगी, यानी ये उल्टी से उल्टा मिला करके आपको इस तरीके से रख देना है इस पर, इस साइड। देखिए बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, न्यू फॉर्मूला है। अब आपको क्या करना है, यहाँ देखिए यहाँ आपको एक कट लगा देना है इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से, और एक कट आपको यहाँ लगा देना है। जितना आप सिलाई मार्जिन दें आप उतना कट लगा लें, आधा इंच लगा, आधा इंच दें तो आधा इंच लगा लें, 3 सूत दें तो आप 3 सूत का कट लगा लें इस तरीके से। ये देखिए कट लग चुका है। आप बहुत ही सिंपल तरीका है, देखिए खाली आपको ये कट लगाने के बाद में कुछ नहीं करना है, इस तरीके से अंदर की तरफ कर देना है, ये देखिए। और अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे, यहाँ से सिलाई लगानी है हमें, यहाँ से हमारी ये पॉकेट बनेगी इस तरीके से, यहाँ से ये सिलाई लगानी है, ये जो कट लगा हुआ है इसी की सीध से एक पैर की सिलाई लगाएंगे हम इस पर, टांके बांधते हुए। ये देखिए सिलाई लग चुकी है इस पर, इतनी फिनिशिंग के साथ मैंने सिलाई लगाई है इस पर, धागे वगैरह काट के। ये अब देखिए क्या करना है आपको, इस तरीके से, इस तरीके से करना है इसे, और इस पर ये इस पर सिलाई लगा देंगे यहाँ से, ये देखिए। देखिए मैं बहुत ही कम सिलाई में आपको पॉकेट बनाना बता रहा हूँ और पूरी फिनिशिंग आएगी इस तरीके से। इसे सिलना है जैसे ये इधर रखे और इस तरीके से इसे उल्टा सिल लेना है पहले, ये पैर की सिलाई लगानी है। और इसको पलट देना है इस तरीके से। ये मैंने शर्ट का कपड़ा लगाया हुआ है पॉकेट में, आप चाहे तो अस्तर लगा सकते हैं या शर्ट का भी, दोनों ही आप लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से इस पर ये सिलाई लगाएंगे, आप पैर की भी लगा सकते हैं, मैं आधे पैर की लगा रहा हूँ। देखिए इस तरीके से सिलाई लग चुकी है। अब इसे ये देखिए हमारी पॉकेट बन चुकी है। अब इस पर हम टांकी लगाएंगे, ये देखिए इस तरीके से अच्छे इस तरीके से रख लें, इसमें मिला करके इससे आगे नहीं जाना चाहिए, इसी के लेवल में रहना चाहिए ये। अब हम इस पर टांकी लगाएंगे, ये देखिए इस तरीके से ये कट लगा हुआ है, इसी की सीट पे रखना है आपको इस तरीके से, टांकी लगाते हुए और एयर मशीन को निकाल देंगे, ये धागे वगैरह हैं इनको छांट देंगे और इस तरीके से अब यहाँ पर भी मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे। देखिए कितनी आसानी से पॉकेट बन चुकी है हमारी।
ये देखिए हमारी पॉकेट बन चुकी है। देखिए अब आपको क्या करना है, ये जो हमारी प्लेट है इनको ये उल्टी साइड से इधर की साइड से हमें सिलाई लगानी है। इस पर कम से कम आपको 1.5 से 2 इंच तक ये नीचे से सिलाई लेकर के आनी है अंदर की साइड पे, इस तरीके से। और एक सिलाई इस पर भी लगा देनी, दोनों जो हमारी प्लेट पड़ी हुई है उन पर सिलाई लगा करते हुए ये पॉकेट पे। हाँ ये बन चुकी है हमारी पॉकेट। और ये देखिए हमारी प्लेटों पर भी, ये देखिए हमारी प्लेटों पर भी हमने ये सिलाई लगा दी है। अब क्या करना है आपको, इस तरीके से हल्का सा इस तरीके से करके यहाँ दबा करके और इस पर सिलाई लगा देंगे। इसमें वो ना आए, सिलवट वगैरह ना आए, एकदम साफ रहना चाहिए। इस तरीके से यहाँ से रख के और ये सिलाई लगा देंगे। ये देखिए सिलाई लगने के बाद में इसे छांट दें। ये देखिए कितनी आसानी से पॉकेट हमारी बन के तैयार हो चुकी है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन का भी बटन दबाइए, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ साथ हमारे पेंट की पॉकेट बन के रेडी हुई है। ये देखिए इस तरफ से मैं आपको रख के दिखा रहा हूँ। ये देखिए आप भी इसी तरीके से बना सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।